सेबी की सख्ती से कारवी निवेशकों के करोड़ों रुपये वापस। न्यू अपडेट 3 दिसंबर 2019 समय 10:45 पूरी खबर। बाजार नियामक सेबी ने तत्काल कदम उठाए जाने के कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड से 90% के निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रतिभूतियां वापस मिल गई हैं। ब्रोकर ने इन प्रतिभूतियों को अवैध तरीके से अपने खाते में हस्तांतरित कर उसे गिरवी रख दिया था। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूवर्स साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चिट फंड की ओर से भी भाग की पल पल की खबरें देते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी एक खबर फिर आपके लिए लेकर आए। आपसे हमारा अनुरोध है कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है ये सुनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि सेबी के तत्काल उठाए गए सख्त कदमों से निवेशकों की पूंजी डूबने से बच गई। अभी तक 90% निवेशकों के पैसे वापस मिल चुके हैं और शेष को बकाया चुकाते ही मिल जाएंगे। कारवी ने 95,000 निवेशकों की करीब 2.300 करोड़ रुपये प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर 600 करोड़ कर्ज ले लिया था। इसमें से करीब 82.599 ग्राहकों को उनकी प्रतिभूतियां वापस मिल गई हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर सेबी समय पर कदम नहीं उठाता तो कर्जदार इन प्रतिभूतियों को भुना सकते थे। कारवी ने इस धोखाधड़ी के लिए ग्राहकों की पावर ऑफ टॉर्निक POA का दुरुपयोग किया था। इसके साथ ही कारवी के ग्राहकों की POA इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी है। कारवी कारोबारी गतिविधियों को निपटाने के लिए इसके इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। BSE NSE पर ट्रेडिंग बंद। बाजार नियामक का पालन नहीं करने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ने कारवी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब यह ब्रोकिंग कंपनी शेयर बाजार को कारोबार नहीं कर सकेगी। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और MSEI ने भी कारवी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कारवी अब कैपिटल मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी डेरिवेटिव्स डेट म्यूचुअल एंड सर्विस सिस्टम और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी। सनरा मीडिया पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना। बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेड DTR के में हेराफेरी करने पर सनरा मीडिया और उसके 6 अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सेबी की उस जांच के बाद भी की गई है जिसमें भारतीय निवेशकों ने धोखाधड़ी करने के लिए कंपनियों की ओर से विदेशी बाजारों में GDR जारी की गई थी। सेबी ने पाया कि सनरा मीडिया भी उन कंपनियों में शामिल थी और उनके 2.75 करोड़ डॉलर की GDR को लिस्बन स्थित बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज उठा लिया था। जुर्माने में से 10 करोड़ फर्म को जबकि 5 करोड़ चेयरमैन और 1.05 करोड़ निदेशकों को देना होगा। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेट में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।